साजिद खान घर के नए कैप्टन और घर के राजा, और अब इस किंग ने लगा दिया है सुंबुल पर बड़ा इल्जाम, और ये इल्जाम है कि सुंबुल बहुत ही ज्यादा पोजेसिव है शालीन भनोट को लेकर, बहुत ज्यादा फॉन्ड है शालीन को लेकर, यहां तक कि सलमान खान के सामने वीकेंड का वार पर साजिद ने अब सुंबुल के लिए बोल दिया है कि उन्हें शालीन को लेकर है अपना क्रश। जी हाँ, वो शालीन को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव है क्योंकि शालीन शायद से उनके क्रश है, और यही वजह है कि सुंबुल जब जब उन्हें मौका मिलता है वो शालीन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, शालीन को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। और ऐसा ही तब भी हुआ जब शिखर में शालीन और एमसी स्टैन के बीच में लड़ाई हुई थी। एमसी स्टैन ने पहले शुरुआत की थी इस लड़ाई की, उन्होंने शालीन को गाली दी और उसके बाद शालीन भी काफी भड़क गए, और फिर शालीन ने भी कई सारी गालियां दी, और इसके बाद शिव बीच में आए दोनों का बचाव करने के लिए। शिव उस वक्त शालीन को नहीं बल्कि एमसी स्टैन को सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने भी शालीन का मुंह पकड़ लिया था, और ये लड़ाई बहुत जबरदस्त शुरू हो गई, जिसके बाद जो सुंबुल थी वो शालीन को बहुत ज्यादा करीब से पकड़े जा रही थी, उसको लिपटे हुई थी, और वो उसको किसी से बात नहीं करने दे रही थी। बहुत ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर उसका सामने आ रहा था, जो कि अब फैंस को भी काफी ज्यादा हैरान कर गया है। वही सलमान खान को भी सुंबुल का जो ये बिहेवियर है ये रास नहीं आया, उन्होंने भरी महफिल में वीकेंड का वार में सुंबुल की जमकर क्लास लगा दी है। वही साजिद खान ने भी सलमान के सामने कह दिया है कि सुंबुल को है शालीन पर क्रश। बहरहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।